येनात्मा बुद्धियतात्मैव परत्वे नैव चापरम्। सिद्धात्मा को नमन। एक कालजय ग्रंथ के गूढ़ श्लोकों के अर्थ और उनकी सटीक व्याख्या आज से लगभग 1600 साल पहले आत्मवेत्ता के महान आचार्य पूज्यपाद की महान रचना समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद ने मन के पटल पर छा जाने वाले समूचे व्यक्तित्व को बदल देने वाली इस रचना का हिंदी अनुवाद आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के विद्वान शिष्य श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज साहिब ने प्रस्तुत किया है। बुद्धि और श्रद्धा का संयोजन। यत्रैव आहितदि पुंस श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लियते। जहाँ जिन विषयों के उपयोग में व्यक्ति अपनी बुद्धि को संयोजित करता है उन्हीं विषयों में उसकी श्रद्धा जम जाती है। जिन विषयों में व्यक्ति की श्रद्धा जम जाती है उन्हीं विषयों में उसका चित्त भी तल्लीन हो जाता है। बुद्धि और श्रद्धा का संयोजन है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जिस विषय का चिंतन करोगे उस विषय पर आपकी श्रद्धा है। आज तक आपने चिंतन किसका किया? शरीर का किया, तो शरीर पे श्रद्धा बन गई। रात को नींद में भी आपको शरीर का ध्यान रहता है, और नींद में सोए और आपके शब्द को शरीर की आवाज़ लगाई तो तुरंत उठ के बैठ जाता है, मुझे कोई आवाज़। इस प्रकार बुद्धि को जो सूचना देते हो उसके साथ उसकी श्रद्धा जम जाती है। तो यहाँ कहते विषयों में उसकी श्रद्धा जम जाती है। जिन विषयों को व्यक्ति पे की श्रद्धा जम जाती है उन्हीं विषयों में उसका चित्त भी तल्लीन हो जाता है। यत्र नहि तदि पुंस श्रद्धा तस्मा निवर्तते, यस्मा निवर्तते श्रद्धा कुतश्चित् तस्य तल्लया। जिन विषयों में व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग को संयोजित नहीं करता उन विषयों में उसकी श्रद्धा भी निवृत्त हो जाती है। तब फिर भला उन विषयों में उनके चित्त में की तल्लीनता कैसे संभव हो सकती है? अर्थात संभव नहीं हो सकती है। यानी शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो विषय हैं उनमें फिर वो श्रद्धा नहीं जमाता। इतिदम भाव येनि, भाव ये नित्य वाचा गोचरम पद्म स्वत एव तदाप्नोति यतो नावर्ते पुनः। इस प्रकार भेद अथवा अभेद रूप से अनिवर्चनीय आत्मस्वरूप की निरंतर भावना अर्चना आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार भेद और अभेद रूप से अनिवर्चनीय आत्मस्वरूप की निरंतर भावना अर्चना आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से यह आत्मा शीघ्र ही उस अनिवर्चनीय परमात्म पद को प्राप्त कर लेगा, जहाँ फिर से कभी पुनरागमन जन्म मरण नहीं होगा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। श्रीमद जी कहते हैं कि आत्मा की भावना बार बार भावित करते रहने से जीव स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यही बात करें चाहे भेद रूप में हो चाहे अभेद रूप में हो, है ना? भेद में अभेद, अभेद में भेद, किसी भी रूप में आपकी साधना चल रही है, आत्मस्वरूप की निरंतर भावना, उठते बैठते सोते चलते बातचीत सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन किसका हो? आत्मा से ही जुड़ा हुआ हो, आत्मस्वरूप का ही भावना हो। आप भेद में अलग अलग लोगों को देख रहे हैं तो सब में आत्मा के दर्शन कर रहे हैं खुली आंखों से, अभेद में अपने ही भीतर में ध्यान कर रहे हैं तो अपने भीतर रही हुई आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा करने से आत्मा शीघ्र ही अनिर्वचनीय आत्म परमात्मा पद को प्राप्त कर लेगा, जहाँ से फिर कभी पुनरागमन यानी जन्म मरण, जन्म मरण 4,84,00,000 जीवों ने कितनी बार कर लिया और कितनी बार करने का इरादा है ना? अब अपने लक्ष्य को तय कर लो कि मुझे इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना है और अपने घर सिद्धालय पहुंचना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अब एक भी ऐसा नया कर्म न बंधन हो कि उसको भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़े। पुराने कर्म जो है उनको मैं रात दिन आत्मभावना भा करके उनको क्षय करता चला जाऊंगा। योग साध्य है मोक्ष, अयत्न साध्यम निर्वाणम चितत्वम बुद्धजम यदि अन्यथा योगस्तस्मात्र दुखम योगी नाम क्वचित। कुछ चार्वाक सिद्धांतों को खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई खाओ पियो मौज करो आत्मात्मा कुछ होती नहीं है, जब शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा अपने आप मोक्ष में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आचार्य कहते हैं कि
ज्ञान योग के साधक योगियों को निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होती है। चार्वाक आदि मिथ्या मतवादियों के सिद्धांत के अनुसार भी, जिन मत के अनुसार भी वे मोक्ष को उपलब्ध होते हैं, या आचार्य देव ने मिथ्या मत पर कटाक्ष करते हुए जिन मत के शाश्वत सिद्धांत का संपोषण किया है, योगियों के पुरुषार्थ को प्रोत्साहित किया है। यदि यह चैतन्य स्वरूप आत्मा पृथ्वी जल अग्नि वायु रूप इन महाभूतों से उत्पन्न हुई हो, तो इन महाभूतों में के वियोग पर अर्थात शरीर की मृत्यु पर निर्वाण स्वतः हो जाएगा। इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? इसके इतर यदि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान योग के अभ्यास से होती है, तब भी योगियों को लिए दुख का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ये चार्वाक सिद्धांत को कट करने के लिए कहते कि साधना तो आपको करनी पड़ेगी, कोई खाली शरीर छूटने से आपको मोक्ष होने वाला नहीं है, कोई केवली तुम्हारे लिए साधना नहीं करेगा, साधना आपको खुद करनी पड़ेगी। और वो भी कौन सी साधना करनी पड़ेगी? आत्मा स्वभाव में, निज स्वभाव में लीन रहने की साधना करनी होगी। शरीर विनाश आत्म विनाश नहीं। स्वप्ने दृष्टे विनष्टे न नाशोस्ति यथात्मन, तथा जागर दृष्टे विपर्यास विशेषतः। स्वप्न अवस्था में देखा हुआ स्व शरीर का विनाश वास्तव में विनाश नहीं है। स्वप्न में आपने देखा आपकी मौत हो गई, लेकिन स्वप्न खुलने के ऊपर आप वहीं पर बैठे हुए हो। ऐसे ही संसार को स्वप्न तुल्य जानने वाला जागृत पुरुष शरीर के विनाश को अपनी आत्मा का विनाश नहीं मानता। संसार को स्वप्न तुल्य जानने वाला जागृत पुरुष शरीर के विनाश यानी शरीर की मौत को अपनी आत्मा का विनाश नहीं मानता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अदुख भावितम ज्ञानम क्षेते दुख सानिध्यो तस्माद्यथा बलम दुखैरात्मनम भाव येन मुनि। पूर्व कालिक पुण्योदय से कई व्यक्तियों को बिना कष्ट उठाए ही आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है। पूर्व की साधनाओं के कारण पहले का पुण्य उदय लेकर के आए, जिसके कारण को बड़ी सहजता से आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है, परंतु परिश उपसर्गों की स्थिति में उनका आत्मज्ञान डोलायमान होने लगता है। लेकिन सहज में मिल गया, लेकिन जब उपसर्ग और परिचय आते हैं तब वो घबरा जाते हैं। इसलिए मुनिजनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशक्ति परिचय उपसर्गों को सहन करने का अभ्यास करते हुए भेद विज्ञान की अनुभूति को परिपक्व बनाने का प्रयत्नशील करें। यानी साधक जो साधना के मार्ग पर निकला है, तो परिचय और उपसर्ग आए तो घबराए नहीं, बल्कि हो करके परिचय ले, हो करके जैसे अपन कौशल कर रहे तब कर रहे, ऐसे उपसर्ग आए तो वहाँ पर घबराए नहीं, और परिचय आने के ऊपर उसकी सुरक्षा न करें बल्कि उनको सहन करें, ताकि विपरीत परिस्थिति सहज में प्राकृतिक रूप से आएगी, उस समय में फिर उसका मन डावाडोल डोलायमान नहीं होगा। ज्ञानी का योग धारण। प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायो शरीर यंत्राणि वर्तते स्वेषु कर्मषु। आत्मा के राग द्वेष से योगत रहे अर्थात मन वचन और काय के प्रयत्न प्रवर्तित होते हैं, उन प्रयत्नों को वायु वेग का संचरण होता है, जिससे शरीर के सब यंत्र अपना अपना कार्य करते हैं। आत्मा के राग द्वेष से योगत रहे काम कैसे करते हैं? आचार्य ने बड़ी सूक्ष्म बात यहाँ पे कही है कि आत्मा जब विभाव स्थिति में होती है, राग और देश में होती है, तो योगत रहे मन वचन और काया ये तीनों में प्रयत्न प्रवर्तित होता है, इनको ऊर्जा मिलती है मन वचन काया को, और ये अपने कार्य में लगते हैं, और उन प्रयत्नों से वायु वेग का संचरण होता है। हमारे भीतर में वायु का जो संचरण चल रहा है, उस संचरण से शरीर के सारे यंत्र क्या करते हैं, अपना अपना सिस्टम कार्यरत होते हैं। जैसे आप स्वभाव में आते हो, आप देखो अपने खुद के अनुभव से देखो, जब आप स्वभाव की साधना में जाते हो तो आपका शरीर एकदम जड़ जैसा हो जाता है संचरण, क्योंकि आप आत्मा में स्वभाव में स्थित है, तब आपने राग द्वेष में नहीं है, तो आप मन वचन काया को भोजन नहीं देते हैं, तो मन डेड हो जाता है, वाणी मौन हो गई, काया ऐसे जड़ सी हो गई जैसे बिल्कुल कि उसमें हलन चलन क्यों हो रहा है? खाली अभ्यास से नहीं, उधर आप अपने स्वभाव में स्थित होने से मन वचन काया को राग द्वेष का भोजन नहीं मिला, यानी कर्म का भोजन नहीं मिला। अब राग कर्म का भोजन नहीं मिला तो आत्मा तो जड़ हो गई, अब कर्म निकल करके आत्मा पे मन वचन काया पे आ रहे, लेकिन आप स्वभाव से विभाव में नहीं जा रहे। कर्म निकल करके उदय में आया, क्योंकि सातों कर्म हर समय उदय में आ रहे हैं, उदय में आते हैं, लेकिन आप स्वभाव में रहते हैं, विभाव में नहीं जाते, तो मन वचन काया को भोजन नहीं मिलता। जैसे कहा ना, आप जैसे ही चंचल होंगे तो मन वचन काया के स्तर पर चले जाएंगे और आपको दुख होगा, पीड़ा होगा, काया से निकालना कठिन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्वभाव में स्थित रहेंगे तो अनंत सुख का, अनंत शक्ति का प्रभाव आपका अंदर से बढ़ता चला जाएगा, आपको तो आनंद बढ़ता जाएगा, और इधर कर्म की श्रृंखला, अनंत कर्मों की श्रृंखला टूटती चली जाएगी। ये प्रयोग यहाँ पे आचार्य ने सूक्ष्म बात रखी है।
तान्यात्मने समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुख जड़ त्वक्त्वारोपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परम पदम परमम पदम। जड़ बुद्धि अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों वाले उस शरीर यंत्र का आत्मा पर आरोपण करके अर्थात उस शरीर रूप यंत्र को ही आत्मा मानकर दुख भोगता है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी विद्वान पुरुष ऐसे आरोपण को मिथ्या कल्पनाओं को त्याग कर परम पद को प्राप्त करता है। या बताइए जो जड़ बुद्धि है यानी जिसको आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों वाले इस शरीर रूपी यंत्र को आत्मा पर आरोपण करता है, यानी शरीर को मुख्यता देता है, आत्मा को आरोपण करता है, अर्थात शरीर रूपी यंत्र को ही आत्मा मानकर दुख भोगता रहता है। अब शरीर पे जब कर्म उदय में आते हैं तो दुखी होता है, कभी आर्त ध्यान करता है, कभी रोध ध्यान करता है, और ऐसे ही संसार बढ़ाता चला जाता है। इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, ऐसे आरोपण जो मिथ्या कल्पनाएं जो हमने धारण कर रखी है उन सबको त्याग देता है और भीतर ही अभी से ही वर्तमान में ही आत्मपद का अनुभव लेकर के आत्मा के अनंत सुख का, अनंत शक्ति का, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का अनुभव लेकर के परम पद का, परम पद को प्राप्त कर लेता है। मुक्त्वा परत्व परबुद्धि परबुद्धि महम धियम च संसार दुख जननीम जन्नाम द्विमुक्तः। उपसंहार करते हुए कहते ज्योतिर्मयम सुखमुपेति परमात्मा परात्मनिष्ठ स्तन मार्ग मैतद धिगम्य समाधि तंत्रम। परम पद प्राप्ति हेतुभूत इस समाधि तंत्र नामक ग्रंथ को हृदय में धारण करके तथा परमात्म भाव में चित्त को स्थिर कर अंतरात्मा सत्पुरुष सांसारिक दुखों की जननी उस बुद्धि का परित्याग करने, त्याग किसका करना, संसार का जन्म देने वाली उस बुद्धि का परित्याग कर देता है जो देह को अपना और आत्मा को पराया समझती है, शरीर को अपना मानता है और आत्मा को पराया समझती है। इस भांति साधक संसार से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा के शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। समाधि तंत्र ग्रंथ आपके लिए उत्तम, पूरे जो हम साधना कर रहे हैं उसी का संक्षेप में सार रूप में इसमें आचार्य पूज्यपाद ने जिनवाणी के में से सार निकालते हुए अपने अनुभव के आधार पर, अनुभव अनुमान के आधार पर, आगम के आधार पर रचना की है। और हम अभी अरिहंत वाणी श्रवण कर रहे हैं उससे भी हमने मेल मिला के देखा तो पूरी की पूरी साथ में बैठती है कि जिनवाणी तीनों काल में सभी अरिहंतों की एक है, बस आपको उसमें जीने के लिए, अभ्यास के लिए कोई ऐसा जीवंत पुरुष बीच में चाहिए जो आपको उसके रहस्य खोल के दे। खाली पुस्तक पढ़ोगे आपको कुछ नहीं। हर साल मैं इस ग्रंथ को स्वाध्याय करता हूँ और हर बार मुझे इसमें नया नया अनुभव आता है। जैसे जैसे साधना बढ़ रही है वैसे वैसे इसके रहस्य हमको समझ में आने लगते हैं। तो आप और हम सभी इस स्वाध्याय का निरंतर करें और अपने साथ में ध्यान और काय सर 11 दिन के शिविर में हमने इसका स्वाध्याय किया। इसमें कोई भी जिनवाणी के विपरीत कोई भी प्ररूपणा हुई हो तो अरियन सिद्ध भगवान के साक्षी से बारम्बार तस्मित शामी दुकणम आगमे तिवे पणते तंजहा सुत्ता गम्य अर्था गम्य तदव्या गम्य एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे को यतिजा दोष लागे होते मैं आलो जम वैदम वच्चा मैल्यम हिणक करम अचक करम पय हिणम विणय हिणम जोगिणम घोषिणम सुठु दिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जयम सज्जाय न सज्जयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की तस्मिच्छामि दुक्रम। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाम की अंगूठी तक एक शुद्ध आत्मा, तुम केवल 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 आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। आते जाते श्वास को जानो और देखो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं,
एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो सबका मंगल हो तेरा मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग। धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमन संति जासधम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख सदा ही मंगल होगा। गुरुवर तो